एवरीवन, कैसे सब? आई होप यू फाइन। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हैप्पी मूड। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ CS302 जो आप लोगों का क्यूज नंबर 2 आया हुआ है, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग अगर वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिल सके, ठीक है। सो ये क्यूज नंबर 2 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो डीकोडर RDK8 काउंटर जो है उसका उन्होंने पूछा हुआ था कि वो मोड 10 काउंटर में है या मोड 5 में है, ठीक है। सो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसे मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ और आप लोग साथ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। साथ में मैंने करेक्ट जो है आंसर वो हैंड आउट सर्च करके जो करेक्ट है वो साथ में स्क्रीन शॉट भी अटैच किए हुए हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर आप लोगों को सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं हर बुक का जो भी वीडियोस बनाऊँ उसका मैं बना के ग्रुप वो लिंक नीचे डाल देती हूँ, वो आप लाजमी ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। वहाँ पे ये फाइल्स आप लोगों को मैं शेयर कर देती होती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्जेस नहीं होते फाइल के, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से बैठ के रीड करके अपना क्यूज अटैम्प्ट कीजिएगा और जो लेक्चर्स हैं वो भी आप लोग रीड कीजिएगा लाजमी। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। ट्रूथ टेबल इसकी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे भी है, डाउट्स में भी है, ठीक है। द ए बी ई एल इनपुट फाइल कैन यूज अ ट्रूथ टेबल इंस्टेड ऑफ ए क्वेश्चन टू स्पेसिफाई द बिनियन एक्सप्रेशन को, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो ऑप्शन ए 3 जो है वो हमारे पास काउंटर आउटपुट के लिए जो हम काउंटर इनपुट्स एंड 3 हम आउटपुट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फाइल आप लोगों को मिल जाएगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे शेयर कर दूंगी। आप यहाँ पे भी देख लें अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अगर कर लेंगे तो वहाँ पे फाइल मिल जाएगी आप लोगों को, बैठ के आराम से रीड करके इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो हमारे पास टर्मिनल दिए गए हैं, अप के लिए हम 1-1 यूज़ करते हैं और डाउन के लिए हम ट्रिपल, यानी 4-1 जो है वो अप के लिए टर्मिनल काउंट के यूज़ करते हैं और डाउन मोड के लिए हम 4 जो है 0 वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे भी ये आप लोगों को बताया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है सर्कल्स हैव नो स्टोरेज एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे भी बताया हुआ है, यहाँ पे भी हैंडआउट्स में भी है। एक जो हमारे पास है द कंबाइंड जो डिजिटल सर्कल्स होते हैं हैव नो स्टोरेज एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 हैं, यहाँ पे DRAM जो है वो रीड सर्कल जो है यहाँ पे बताया हुआ है इसका, तो ये इसका डी आउट होगा, ठीक है। अवेलेबल ऑन द डी आउट डाटा लाइन, ये पर यहाँ पे रीड एंड राइट साइकल्स जो दिए हुए हैं उसके लिए यहाँ पे ये डी आउट यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 है, 7 में हमारे पास रेस कंडीशन, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, रेस कंडीशन इज स्टेट टू अकर्स व्हेन मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ये रेस कंडीशन का बताया हुआ है ना उसके ऊपर, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है, फॉल्स है ट्रू, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे भी ये गूगल से सर्च किया था और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये भी ट्रू है स्टेटमेंट क्वेश्चन 9 पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैक्स Q0Q1EN जो है वो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम इज इक्वल टू Q0Q1 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 था, तो ये आउटपुट इक्वेशन जो है वो स्टेट मशीन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पे बताया भी हुआ ये इक्वेशन हैंड आउट्स में, ठीक है। सो ये थी वीडियोस और ये क्यूज था आप लोगों का, ग्रुप ज्वाइन कर लें आप और फाइल वहाँ पे आपको मिल जाएगी, रीड करके अपना क्विज अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कोई भी हेल्प चाहिए हैं क्विज से रिलेटेड, असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को हेल्प चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, तो वो आप ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आप मुझे दें इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।